वेलकम टू अंदाज़े आरिशा। डियर फ्रेंड्स, आज के इस व्लॉग में हम चल रहे हैं सहस्त्रधारा। देहरादून सिटी से 14 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे है और यहाँ पे आप अगर बाय एयर आना चाहें तो जॉली ग्रैंड एयरपोर्ट नियरेस्ट है, जहाँ से ये 36 किलोमीटर है और देहरादून रेलवे स्टेशन से ये 14 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे है। सो फ्रेंड्स, हम पहुंच गए हैं सहस्त्रधारा और हमने पार्किंग में अपनी कार पार्क कर दी है और अब हम यहां से पैदल चल रहे हैं सहस्त्रधारा की तरफ। सहस्त्रधारा का मतलब है हज़ारों जल की धाराएं। ऐसा माना जाता है कि यहां पे जो सल्फर स्प्रिंग्स का पानी है, यानी कि जो गंधक का पानी है, उसमें मेडिसिनल बेनिफिट्स मौजूद हैं और अगर किसी को जोड़ों में दिक्कत हो या फिर स्किन रिलेटेड इश्यूज हो और वो उस पानी में नहा ले तो उसके लिए वो फ़ायदेमंद रहता है और उसकी तकलीफ़ें दूर हो जाती हैं, ऐसा लोग मानते हैं। और इसीलिए बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, इसको विज़िट करते हैं, यहाँ का पानी इनफैक्ट लेके भी जाते हैं, नहाते भी हैं और इसीलिए जगह बहुत फेमस है। यहाँ पे रुकने की भी बहुत अच्छी अरेंजमेंट्स आपको मिलेंगे, खाने पीने की भी अरेंजमेंट्स हैं और उसके साथ साथ फ़न राइड्स भी हैं, बच्चों के लिए भी बहुत कुछ है। अच्छा, यहाँ पे बेसिकली दो जगह आप जा सकते हैं। पहली तो हो गई नीचे, जहाँ पे ये लोग नहा रहे हैं, सहस्त्रधारा का पानी जहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आपको एडवेंचर पार्क भी मिलेगा। और दूसरा जो है वो रोपवे से ऊपर जाना है, जहाँ पे इन्होंने एक बहुत अच्छा सा स्पेस बना रखा है जिसे लोग मणिद्वीप के नाम से भी जानते हैं और वो तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और यहाँ आप रोपवे से जाइए, रोपवे के चार्जेस 200 है। और चलिए तो रोपवे में हम बैठ के अब चलते हैं, उसके आगे आपको बताते हैं और दिखाते भी हैं वहाँ पे क्या क्या है। देखिए फ्रेंड्स, इस रोपवे से नीचे का नज़ारा कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। सो अब हम ऊपर पहुंच चुके हैं और यहाँ पे आप ये व्यू देखिए, इतना इतना सुकून, इतना पीसफुल एरिया और इतनी सारी चीज़ें वहाँ पे। मैं तो यही देख के हैरान हो गई कि उन्होंने कितना प्यारा बनाया है। यहाँ पे आपको बच्चों के लिए ढेर सारे झूले मिलेंगे, ढेर सारी राइड्स बच्चे इंजॉय करें, आपके लिए सेल्फी पॉइंट्स हैं, रेस्टोरेंट भी है, रुकने के लिए एसी रूम भी अवेलेबल है, आपको अगर गढ़वाली ड्रेस में फ़ोटो क्लिक करानी है तो वो भी मौजूद है। ये एक स्पेस स्टेशन बनाया है बच्चों के लिए इन्होंने छोटा सा, आप इसे भी इंजॉय कर सकते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर आपको फॉल्स भी मिलेगा। सो फ्रेंड्स, वीडियो देखिए और इंजॉय करिए और फील करिए यहाँ की ब्यूटी को।
अब हम आपको सबसे प्यारा व्यू दिखाते हैं इस रेस्टोरेंट में ही। आप जब अंदर की तरफ चलेंगे तो इन छोटी सी सीढ़ियों से अब आप उस प्यारे से नज़ारे को देखने वाले हैं। तो चलिए और देखते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे प्यारे प्यारे सेल्फ़ी पॉइंट्स भी हैं और फोटोग्राफर भी मौजूद है, तो आप यहाँ अपनी सेल्फ़ी ज़रूर क्लिक कराइएगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से इस रहस्य धारा का व्यू, लोग कितने छोटे छोटे दिख रहे हैं और कितनी लंबी है ये। Thank you.
ये इन्होंने एक छोटा सा वाटरफॉल बना के रखा हुआ है, और यहाँ पे बच्चों के लिए रॉक क्लाइंबिंग भी है, एक कॉफ़ी हाउस भी है, आपको मंदिर भी मिलेगा और आपको यहाँ बहुत सारे सेल्फी पॉइंट्स भी मिलेंगे। माई डियर फ्रेंड्स, आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। आपको अगर ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा अगर आपने नहीं किया है तो, और इस वीडियो को अपने नियर एंड डियर वंस को शेयर भी कर दीजिएगा। ओके देन, रोपवे आ गई है, टाइम टू गो, बाय बाय।